तो देखिए, जैसा कि कुछ लोगों को डाउट है कि झांकियां किस दिन निकलेंगी, मैं आपको बताते चलूं। 18 सितंबर यानी कि दिन सोमवार के दिन हमारे यहां पर लगभग 2 बजे से झांकियां निकलने की शुरुआत होगी, जो छोटी बाज़ार से झांकियां शुरू होकर के कस्बे का भ्रमण करते हुए छोटी बाज़ार में ही कार्यक्रम का समापन होगा और आगे जो मंचन का कार्यक्रम होगा छोटी बाज़ार में ही किया जाएगा। इसके साथ साथ अन्य डिटेल के लिए देखते रहें पूरी खबर। जो मेला मैदान है यहाँ पर जो कीचड़ था इसे साफ किया जा रहा। हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर में ऐतिहासिक तीजा मेला महोत्सव की तैयारियों को देखने पुलिस अधीक्षक ने तीजा महोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता करने के निर्देश भी दिए हैं। बताते चलें, शनिवार को पुलिस अधीक्षक ने कस्बे का भ्रमण करके तीजा महोत्सव की चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया और सीओ सदर सहित थानाध्यक्ष को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने तीजा महोत्सव के मद्देनज़र पशु मेला बाजार, रामलीला मैदान के अलावा छोटी बाजार, हरिचंदन तालाब का दौरा करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। साथ में चल रहे सीओ सदर रजेश कमल, थाना अध्यक्ष राम आश्रय सरोज को निर्देशित करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोर कसर न बकाया रहना चाहिए। भीड़ को मद्देनज़र रखते हुए हरचंदन तालाब में भीटा में मजबूत बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि यह कार्य प्रत्येक दशा में शनिवार शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। हरचंदन तालाब पर मौजूद श्री कृष्ण लीला तीजा कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश और बब्बू दीक्षित से उन्होंने नागनाथ लीला की जानकारी लेकर तालाब में विशेष सावधानियां बरतने के साथ साथ गोताखोर तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद वह मुख्यालय रवाना हो गए। निरीक्षण के दौरान कस्बा इंचार्ज प्रमोद कुमार त्रिपाठी के अलावा कमेटी के सदस्य भी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। बताते चलें, 3 दिन तक कस्बे में रहेगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। भरुआ सुमेरपुर लोक परम्पराओं से ओतप्रोत कस्बे के ऐतिहासिक तीजा मेला में 18 से 20 सितंबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। कस्बे के पशु बाजार मेला मैदान में झांसी के मशहूर नाट्य कलाकार मास्टर इसरार कंपनी के कलाकार 18 से 20 तक धार्मिक नाटकों तथा रात्रि में मंचन करेंगे। जो मेला मैदान है यहाँ पर जो कीचड़ था इसे साफ किया जा रहा और देखेंगे भैया, ये नगर पंचायत के कर्मचारी हैं जो यहाँ पर दलदल था छोटी बाज़ार में जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होना था। सारी झांकियाँ यहीं पर जो है रखी जाती हैं और यहीं से झांकियों की शुरुआत होती है। तो देखेंगे ये कर्मचारी लगे हुए हैं लगातार जो है इस दलदल को बराबर करने का और ख़त्म करने का प्रयास करते नज़र आते हैं। भारी संख्या में यहाँ नगर पंचायत की तरफ से कर्मचारी लगाए गए हैं और देखेंगे यहाँ पर बुलडोज़र बाबा भी हैं। जहाँ कहीं भी बुलडोज़र की आवश्यकता पड़ रही है बुलडोज़र के माध्यम से भी सही कराने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।